जय हिंद एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आपका द ट्यूटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज अभिषेक, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, एज फिट एज फिडल। चलिएगा भाई, फटाफट से आइएगा ऑनलाइन, मार्क योर प्रेजेंस इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक द सेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से अपनी अपनी प्रेजेंस को मार्क करेंगे। टाइप जय हिंद इन द कमेंट बॉक्स। सागर सिंह, शुभम, तुषार, निशा, समीर, अंशुल साकिया, क्या हाल भाई अंशुल, ईशा त्यागी, सागर सिंह, आशुतोष वर्मा, आदित्य पांडे, अक्षय तोमर, नरेंद्र राजपूत, ध्रुव शर्मा, बबली कुमारी। अंशुल अभी अटेम्प्ट्स बचे हैं भाई तेरे, चलो भाई फटाफट से आ जाओ। सभी लोग ऑनलाइन फटाफट से इन्फॉर्म कर दो अपने फ्रेंड्स को दैट क्लास हैज बीन स्टार्टेड। उस दिन हमने लास्ट इस 250 वाली सीरीज में 50 क्वेश्चंस करे थे, आज 35 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आने वाले कुछ दिनों में हम 250 स्पॉटिंग एरर करके एक अच्छी सी फील आ रही होगी आपको कि हाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे स्पॉटिंग एरर्स में, वो हम कवर कर चुके होंगे। क्लियर? शुभम चौधरी, जय हिंद भाई, राजवर्धन, शुभम कुमार, पीयूराज, देविका, वंशु, CDS, ओके भाई, चलो बहुत बढ़िया, सही है। प्रैक्टिस अभी से कर दोगे ना तो एक दो साल में क्या होगा, स्पॉटिंग एरर्स हलवा लगने लगेंगे, इंग्लिश में एक रिदम बन जाएगा। और अगर हम CDS की बात करें तो IM में अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो IM में सबसे नंबर वन पर जो क्रूशियल सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश, दूसरे नंबर पर आता है आपका मैथ्स और तीसरे नंबर पर आता है GS। ठीक है, तो टाइम आपको उसके अकॉर्डिंग ही देना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश में स्कोर ज्यादा निकल सकता है तो हमारा ओवरऑल कट ऑफ में बहुत हेल्प देता है इंग्लिश। ठीक है, 100 नंबर की आती है। वेयर स्पॉटिंग एरर DPP इन ऐप, व्हाट अबाउट DPP भाई सागर सिंह? DPPs आर वर अवेलेबल ओनली फॉर पेड बैच यार, है ना? तो यहां पर तो हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, इनको एरर्स को लिख के क्या करोगे हैं? इट इज जस्ट लाइक कि जिन क्वेश्चंस में, जिन सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम आई कि आपको उसका एरर पहचानने में प्रॉब्लम लगा तो उसका जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लिया, एनालाइज इट कि भाई मेरी कहाँ गलती थी, कौन सा रूल मुझे पढ़ना है। ठीक है, PDF का क्या करोगे अब इट्स ओनली 18 to 20 days ओनली। ठीक है सर, इंग्लिश के मार्क्स में 75 अराउंड स्कोर कर रहा हूँ। चलो बढ़िया है, 75 बढ़िया है भाई। ठीक है, तो इसमें देखो टारगेट यही होता है, अगर मैं CDS की बात कर रहा हूँ तो 70 से 80 अपना इंग्लिश की रेंज रहनी चाहिए, उसके बाद दूसरे नंबर पर मैथ्स में आप इंश्योर करो कि आपका 55, 60, 62 के आसपास बन जाए, है ना? तो कट ऑफ तो इन दोनों सब्जेक्ट से क्लियर हो जाती है। उसके बाद GS को आपने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि GS का लेवल थोड़ा टफ होता है अगर मैं CDS की बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो वहां पर आपको अपना क्वालिफाइंग स्कोर मेंटेन करके अराउंड 40-45 के आसपास अगर करना है तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए ओनम पांडे, जय हिंद भाई। भाई ओनम पांडे, क्लास चलेगा आपका 18-19 अप्रैल तक चलता रहेगा। ठीक है, OTA के लिए, भाई OTA के लिए भी नंबर वन पर इंग्लिश ही आती है। ठीक है, इंग्लिश में स्कोर करना पड़ेगा 80 के आसपास, आपको 80-85 स्कोर करना पड़ेगा इंग्लिश में, यानी अभी से तैयारी करनी शुरू करोगे तो देयर विल बी अ टाइम यू विल बी रीचिंग एट अ सर्टेन लेवल कि हाँ आप इंश्योर करोगे 80 के आसपास के अपने नंबर, है ना? क्योंकि OTA की कट ऑफ लगती है 110 नंबर पे। ठीक है, 12th की भी प्रिपरेशन कर सकता हूं। हाँ भाई ध्रुव शर्मा कर सकते हो, बट द थिंग इज जो आपका 12th में काम आएगा, 12th में चाहिए होता है हमें स्टेप टू स्टेप, है ना, स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग होती है क्योंकि हमारा बोर्ड के एग्जाम्स में, और वहां पर जो कॉन्सेप्ट्स आपको कराए होंगे प्लेलिस्ट में वो डायरेक्टली पॉइंट आउट है टू द NDA एग्जाम। ठीक, चलो फिर दैट इज ऑल, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन स्पॉटिंग एरर्स पार्ट टू, 1 अप्रैल 2024। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ गाजियाबाद पुलिस सेंट अनदर नोटिस टू ट्विटर इंडियाज हेड टू अपियर बिफोर इट इन द केस ऑफ अ वीडियो ऑफ एन एल्डरली मुस्लिम मैन हु क्लेम्ड ही वॉज बीट अप एंड मेड टू चैंट जय श्री राम। हाँ जी हैड सेंट, क्या लॉजिक है भाई अक्षय तो हैड सेंट लगाने का? ये सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है
तो यहां पर हेड क्यों आएगा? हेड कब लगाते हैं? जब पास्ट की पास्ट वाली सेंस आती है। द गाजियाबाद पुलिस सेंट अनदर नोटिस टू ट्विटर। गाजियाबाद पुलिस ने एक और नोटिस भेजा है किसको? ट्विटर को। इंडियाज हेड, ट्विटर इंडिया का जो हेड है, टू अपियर बिफोर इट, जब किसी कोर्ट में या किसी ऑफिशियल बॉडी के सामने पेश हुआ जाता है ना, इनफैक्ट आप एसएसबी भी जाओगे तो आप बोलोगे आई एम अपियरिंग बिफोर दी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो अपियर के साथ बिफोर लगता है। इट इन द केस ऑफ अ वीडियो ऑफ एन एल्डरली मुस्लिम मैन, एक एल्डरली मुस्लिम मैन के बारे में एक वीडियो वायरल हुई, हु क्लेम, जिसने क्लेम किया ही वॉज बीट अप, उसको पीटा गया। यहां पर जो बात हो रही है ये आ रही है आपका पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में जब हम बात करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बीट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? बीटन। ही वॉज बीटन अप एंड मेड टू चैंट जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ेंगे। सम इकोनॉमिस्ट हैड स्पेक्यूलेटेड दैट अ 15% ग्रोथ रेट वॉज रिक्वायर्ड टू गेट अटॉप द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या किया? स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट मतलब जो हम कोई चीज को क्या करते हैं, एक फोर व्यू देते हैं, है ना, फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करना, ठीक है। स्पेक्यूलेट मतलब प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्ट किया है उन्होंने क्या? 15% ग्रोथ रेट वॉज रिक्वायर्ड, 15% ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड है टू गेट अटॉप द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। हाँ जी, ए हट जाएगा। क्यों हट जाएगा भाई? ए हेड को ओमिट कर दें। रीजन, रीजन क्या आएगा ये तो बताओ। सेंटेंस तो पास्ट में है तो हेड को हटा के क्या करोगे? सम इकोनॉमिस्ट हैड स्पेक्यूलेटेड, कुछ इकोनॉमिस्ट ने स्पेक्यूलेट किया है। भाई हेड हटाएगा तो भी पास्ट ही है, नहीं हटाएगा तो भी पास्ट ही है, जबरदस्ती क्यों एरर ढूंढ रहा है? और बताओ, किसी ने बोला ए हटेगा। भाई देखो यहां पर ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ रेट की बात हो रही है, ठीक है। एक 15% का ग्रोथ रेट तो बोल सकते हैं आप, 15% ग्रोथ रेट। इसके अलावा बताओ, इज रिक्वायर्ड, भाई सेंटेंस पास्ट में चल रहा है मृगांक, जब वो पास्ट है तो ये भी पास्ट ही रहेगा, है ना। और कोई गोट बोल रहा है शुभम चौधरी, भाई इन्फिनेटिव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अटॉप, यस शुभम जोहारी। देखिए गेट अटॉप का मतलब क्या होता है? गेट अटॉप, जैसे मैं बोल रहा हूं कि वी क्लाइम्ड टू गेट अटॉप द माउंटेन, गेट अटॉप द माउंटेन, ठीक है। या वी क्लाइम्ड डे एंड नाइट, हमने दिन रात क्या किया? क्लाइंब किया टू गेट अटॉप द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर जाने के लिए, माउंटेन की पीक पर जाने के लिए, है ना। तो गेट अटॉप का मतलब होता है जब हम किसी सरफेस के ऊपर जाते हैं, टॉप पर जाते हैं, उसको बोलते हैं गेट अटॉप। यहां पर बोला जाता है कि भाई स्पेक्यूलेट किया है 15% ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से उभरने के लिए, उससे रिकवर करने के लिए। तो अब आपने अगर मेरी फ्रेजल वर्ब की वीडियो देखी थी तो मुझे यह बताओ रिकवरी के लिए कौन सी हमने वहां पर फ्रेजल वर्ब बताई थी? हां जी, रिकवरी के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब बताई थी? गेट थ्रू का मतलब सक्सीड होना होता है भाई, गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड होना। यहां पर रिकवरी का सेंस आ रहा है गेट ओवर, वेरी गुड। तो गेट अटॉप की जगह आ जाएगा गेट ओवर, तो गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर करना। तो हमें बाहर आना पड़ेगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से, तो 15% की ग्रोथ रेट चाहिए। एबीसीडी मत लिखो कोई भी, वो इंक्लूड नहीं होगा। हाँ भाई, एबीसीडी मैं देखता ही नहीं हूं कमेंट, ठीक, तुम लिख रहे हो कमेंट, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। पाकिस्तान हैज फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिटेड टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। पाकिस्तान ने पहली बार एडमिट किया है क्या? प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस? इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम की, ऑन इट्स अर्थ, उसकी अर्थ पर। बट हैज सेड दैट, बट लेकिन कहा है उसने क्या? ही हैज नाउ बीन चेस्ड आउट एंड कुड बी इन यूएई, कि भाई उसको चेस्ड आउट कर दिया गया, यानी कि उसको भगा दिया गया है और वो अब यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो सकता है। हाँ जी, एडमिटेड द प्रेजेंस, भाई साहब सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। मयंक थिलियारी थोड़ा सा यार क्या बोलते हैं, अटेंशन के साथ सेंटेंस को पढ़ा करो, है ना, क्योंकि अगर आप यहां से हैज हटा दोगे
तो ये सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा। बाकी के पार्ट्स किस में है मेरे, बाकी के पार्ट्स मेरे प्रेजेंट में चल रहे हैं, हैज बीन, हैज नाउ, ठीक है। और बताओ, रिमूव टू, टू नहीं होगा, कहां पर टू नहीं लगेगा भाई, एडमिटेड टू द प्रेजेंस, एडमिटेड टू, यहां पर एडमिटेड टू का मतलब पता क्या है, किसी ने एक क्लेम किया, किसी ने एक क्लेम किया कि भाई वहां पर है, वहां पर है, वहां पर है, फाइनली उसने मान लिया, मान लिया। ये सॉर्ट ऑफ सेंस है आपकी यील्ड कर जाना, किसी के सामने, किसी की रिक्वेस्ट के सामने झुक जाना या मान लेना कि भाई हां आप सही कह रहे थे, तो उस सेंस में हम एडमिटेड टू का यूज करते हैं। द मोस्ट, भाई इंडिया आ गया ना वहां पे, तो इंडियाज द मोस्ट कैसे कहेगा, अगर वहां पर इंडिया नहीं होता तो हम बोल सकते थे द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, बट जब इंडिया आ गया तो इंडिया के नाम से पहले द कैसे लगाओगे। और बताइए, चलिए ये बहुत ही माइनर सी एरर थी, माइनर एरर कह लीजिए, डिफिकल्ट वन है ना, सीडीएस एनडीए में अगर हम बात करें तो 10 में से एक आधी एरर ऐसी भी आती है, ठीक है। चलिए यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं ऑन इट्स अर्थ, भाई अर्थ पाकिस्तान की कैसे हो गई, पाकिस्तान का तो देश भी नहीं है अपना, वो देश भी हमने दिया है, ठीक है। जब इंसान अपने जमीन के बारे में बात करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन दिस अर्थ, तो अर्थ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मिट्टी में पैदे हुए हैं, पैदा हुए हैं, सोयल बोलते हैं, लैंड बोलते हैं, ऑन इट्स लैंड बोलोगे या फिर ऑन इट्स सोयल बोलोगे, अर्थ कुछ नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। कोई एक इंसान, एक देश थोड़ी पूरे अर्थ को क्लेम कर सकता है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, द फादर इन लॉज गैदर टूगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इशूज दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट, भाई जो फादर इन लॉज हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए डिस्कस करने के लिए सर्टेन फैमिली इशूज, परिवार के कुछ मामलों को जिनको सॉर्ट आउट करना है, जिनको रिजोल्व करना है, क्या आएगा, फादर्स इन लॉ, वेरी गुड। भाई जब हम कंपाउंड नाउन के बारे में बात करते हैं, कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कब बनाते हैं हम, उसका प्लूरल बनाने के लिए जो मेन वर्ड या मेन रिलेशन जो होता है, मेन वर्ड या मेन रिलेशन जो होता है उसमें हम एस सी आई एस ऐड करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर जो मेन वर्ड है, तो मेन वर्ड क्या है हमारा, फादर। कंपाउंड नाउन में अगर मुझे पजेसिव केस बनाना है, अथॉरिटी दिखानी है मुझे, किसी चीज पर हक दिखाना है, तो पजेसिव केस लास्ट में लगता है, ठीक है। यहां पर हम बोलेंगे क्या, फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ठीक है। अभी कोई बच्चा रोहन प्रजापति, भाई ये जो तू बोल रहा है ना रोहन, वो अपोस्ट्रोफियस है, यहां पर हमें प्लूरल बनाना है ना कि अपोस्ट्रोफियस लगाना है, ठीक है। चलिए क्या आएगा, फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, इकट्ठा हुए सारे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिजीज फ्री लाइफ, कि भाई साइंटिफिकली ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, एक्सेप्टेड फैक्ट है, सब हर जगह साइंस वाले फील्ड में सबने ये एक्सेप्ट किया है सच्चाई को, क्या, कि लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, सबसे बढ़िया जो है दवाई है स्ट्रेस रिमूव करने के लिए और डिजीज फ्री जीवन जीने के लिए। लाफिंग, सर मेरी गर्लफ्रेंड 5 साल की हो गई, क्या दूं, ये ऐसे वाहियात से लोग हैं यार हैं, मतलब somebody saying कि मेरी गर्लफ्रेंड 5 साल की हो गई है, तो what टाइप ऑफ मेंटालिटी, what टाइप ऑफ पर्सन एंड what टाइप ऑफ अ ह्यूमन यू आर, है ना, क्लियर। तो भगवान तेरी आत्मा को शांति दे पहले, ठीक है, तेरे दिमाग को शांति दे, ठीक। चलिए भाई, इट इज अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट, क्या है साइंटिफिकली एक्सेप्टेड, देखो लाफ क्या है ना, लाफ इज अ वर्ब, लाफ क्या है, लाफ वर्ब है, मुझे यहां पर क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन नहीं आएगा, या तो आएगा लाफिंग द प्रोसेस ऑफ हंसी, हंसना, लाफिंग आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं लाफ्टर, ठीक है, लाफ्टर आप बोल सकते हैं, तो लाफिंग और लाफ्टर, ठीक है, इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस एंड लाइफ लिव अ डिजीज फ्री लाइफ, ठीक है। टू लाफ भी हो सकता है भाई, बिल्कुल शुभम जोहारी बोल सकते हैं, बट लाफ्टर विल बी द बेटर वन, ठीक है, लाफ्टर। चलिए आगे बढ़े, टू लाफ हो सकता है भाई, बोल तो दिया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट।
इफ वी हैड नॉट ब्रॉट द एविडेंस टू देयर नोटिस, अगर हमने उनके नोटिस में नहीं लाया होता क्या एविडेंस को, दे हैड डिसबिलीव्ड अस, वो हम पर विश्वास नहीं करते. यानी कि हमने क्या किया होगा, हमने उनके नोटिस में लाया होगा और वो हम पर डिसबिलीव नहीं करते हैं, वो हम पे विश्वास करते हैं. बताइए, नॉट बिलीव्ड, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी नॉट लगा रहा है. दे वुड हैव, चलो कौन सी कंडीशन है मेरी, अनरियल पास्ट. अनरियल पास्ट की कंडीशन है, क्या होता है, फर्स्ट एक्शन चाहिए हैड प्लस थर्ड से. इफ वाली क्लोज बनती है मेरी हैड प्लस थर्ड से, तो बनी हुई है. अगर इफ वाली क्लोज हैड प्लस थर्ड से बनी हुई है तो मेरी सेकंड क्लोज जो होती है, सेकंड एक्शन जो होता है वो बनता है किससे, वो बनता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से. तो इफ वी हैड नॉट ब्रॉट द एविडेंस टू देयर नोटिस, दे हैड नहीं आएगा, दे वुड हैव, दे वुड हैव डिसबिलीव्ड अस, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, यहां पर एक और एरर आ सकती थी कि यहां पर एविडेंस की जगह एविडेंसेस भी दे सकता था, तो वो एरर हो जाती नाउन की. यहां पर हमारी एरर है कंडीशनल सेंटेंस से. ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे. द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सोट अ स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर इट्स ऑर्डर टू बैन द यूज ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक इन द नेशनल कैपिटल. एनजीटी ने जो है स्टेटस रिपोर्ट मांगी है किससे, दिल्ली गवर्नमेंट से, किसके लिए, ऑर्डर जो था बैन करने के लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक को इन द नेशनल कैपिटल. इट्स भाई सागर, देख मैं दोबारा बता रहा हूं, ये अपोस्ट्रोफी जब लगा होता है इसका मतलब होता है इट इज. यहां पर कौन सी सेंस है इट इज, ऑर्डर किसने दिया, ऑर्डर दिया एनजीटी ने, तो एनजीटी का ऑर्डर मुझे क्या चाहिए यहां पर, पजेसिव केस चाहिए, पजेसिव केस. तो पजेसिव केस बिना अपोस्ट्रोफी वाला होता है और ये एरर आती है एग्जाम में, बट आपको जब पढ़ाया जाता है तो आप पढ़ते हो नहीं, है ना, फिर तुक्के मारते हो. इंपॉर्टेंट एवर कवर हो जाएंगे एनडीए के भाई. 250 जो स्पॉटिंग एरर कराऊंगा, ये मानकर चल कि तेरे जो 10 एरर आएंगी, है ना कहीं इन्हीं रूल्स के आसपास घूमेंगी. ठीक है, ओवरऑल एक ट्रेंच मिल जाएगा तुम्हें, एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है 250 स्पॉटिंग एरर्स का, है ना, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपके मैं कवर करा दूंगा. नो एरर बोल रहा है 100% वाला, कोई आएगा भाई झुटलाने नो एरर 100% वाले को. चलिए, जब हम बोलते हैं ना ऑर्डर या हम बोलते हैं रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट होती है ना ये किसी टॉपिक पर होती है और रिपोर्ट के साथ जो प्रेपोजिशन लगाते हैं दैट इज ऑन. ठीक है, दे हैव रिपोर्टेड ऑन द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, दे हैव रिपोर्टेड ऑन द स्टेटस ऑफ दैट, है ना, ऑन लगता है रिपोर्ट के बाद. ठीक है, ऑर्डर्स भाई यहां पर वर्ब है ऑर्डर. द एनजीटी ट्राइब्यूनल सोट अ स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन इट्स ऑर्डर टू बैन द यूज ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक. ठीक है, इसका ऑर्डर जो था. ठीक, चलिए 100%. चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8. सदर बाजार कंटिन्यूज टू हैव अ परमानेंट, क्वासी परमानेंट एंड वीकली मार्केट्स. भाई सदर बाजार क्या है, कंटिन्यू करेगा क्या, कंटिन्यू करता है टू हैव परमानेंट, परमानेंट मार्केट्स हैं, क्वासी परमानेंट मार्केट्स हैं और वीकली मार्केट्स हैं. परमानेंट मतलब जो 7 के 7 दिन चलती हैं, क्वासी परमानेंट जो कभी एक आध छुट्टी कर देती हैं, और वीकली मार्केट्स मतलब जो केवल सप्ताह के एंड में लगती हैं. ठीक है, या एक बार लगती हैं. विद इट्स लॉन्ग हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री किसकी है, सदर बाजार की, सदर बाजार की लॉन्ग हिस्ट्री. एंड वेरीड यूज, वेरीड यूज का मतलब डिफरेंट यूजेस, बहुत सारे, दैट इज द रीजन यहां पे क्या है ये यूजेस, वेरीड यूजेस. रेसिडेंट्स टॉक अबाउट अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो सेंस ऑफ टुगेदरनेस की बात करते हैं. एंड एफिलिएशन दैट दे फील विद द प्लेस. हाँ जी बताइए भाई फटाफट से क्या आंसर आएगा. भाई साहब 1.5 घंटा लग जाता है इनमें 35-40 क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि अगर केवल अखबार काटने से स्पॉटिंग एरर बन जाता तो पूरी दुनिया बना रही होती. अखबार काट कर भी, उस हेडलाइन को काट कर भी उसमें वैरायटी मेंटेन करना यहां लगता है टाइम. ठीक है, एफिलिएशन टू, एफिलिएशन टू, भाई एफिलिएशन टू दैट कब, क्या मतलब क्या सीन होएगा.
वो एफिलिएशन टू कब लगता है? जब हम बोलते हैं एफिलिएटेड टू CBSC, तब लगाते हैं, जब किसी बॉडी के लिए एफिलिएटेड होती है। ठीक है, और बताओ। विद की जगह ऑन आएगा ऑप्शन नंबर सी में। रेसिडेंट्स टॉक अबाउट अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड एफिलिएशन दैट दे फील विद द प्लेस। भाई प्लेस के साथ जो उनका लगाव है, जो उनका जुड़ाव है, उसकी बात हो रही है ना। ऑन द प्लेस कैसे? मतलब उस सरफेस पर थोड़ी कुछ हो रहा है, वो कह रहे हैं जमीन से जो उनका जुड़ाव है, जमीन से जो उनका अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट की बात हो रही है। ठीक है, नाउ दैट इज नो एरर, ऑप्शन नंबर डी नो एरर, कोई गलती नहीं है यहां पर। ठीक है, नो एरर, 100% नो एरर। जब मैंने आंसर दे दिया तो 100% लग गया आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। द एबसेंस ऑफ यूनियंस, एबसेंस ऑफ यूनियंस अलोंग विद नो मिनिमम वेजेस। भाई यूनियंस की कमी, यूनियंस कौन होती है? जो कम्युनिटीज होती है ना, जैसे मान लो स्टूडेंट यूनियन, रेलवे एम्प्लॉयर्स यूनियन, उसकी बात हो रही है यहां पे, है ना। एब्सेंस ऑफ यूनियंस अलोंग विद नो मिनिमम वेजेस, ना तो उनकी कोई यूनियन है ना कोई मिनिमम वेज है। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। मेक द गिग इकोनॉमी अ वल्नरेबल प्लेस फॉर वर्कर्स एस्पेशली विमेन। कि भाई जो गिग इकोनॉमी वल्नरेबल प्लेस बन जाएगा किसके लिए? वर्कर्स के लिए, एस्पेशली औरतों के लिए। मेक्स आ जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर बात हो रही है एब्सेंस ऑफ यूनियंस और यहां पर लगा हुआ है आपका अलोंग विद, और अलोंग विद वाले में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट में बात हो रही है एब्सेंस की, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो हुआ अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन में आप हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाओगे या वर्ब कैसी लगाओगे? सिंगुलर। ठीक है, तो यहां पर मेक की जगह हो जाएगा आपका मेक्स, ऑप्शन नंबर बी मेक्स। इफ आई विल बी हैविंग इनफ टाइम, अगर मेरे पास पर्याप्त समय होगा, आई शैल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा एंड मेक इट, और बनाऊंगा इसको क्या, टू द मूवी विद यू दिस इवनिंग। मतलब मेक इट टू द मूवी, यानी कि मेक इट टू समथिंग का मतलब होता है कोई प्लान है तो उसको सक्सेसफुल करना, कि मैं अप्रोच कर पाऊंगा, मैं उसमें जा पाऊंगा इस शाम। चलिए, इफ वाला सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं बन सकता, याद रखना था, बताना बताया था पहले भी कि इफ वाली क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती। क्या बोलेंगे? इफ वी आई विल बी हैविंग इनफ टाइम, या तो सिंपली बोल दो इफ आई हैव इनफ टाइम, या तो ऐसे बोल सकते हो, या फिर इफ आई एम हैविंग इनफ टाइम, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, मोर ओवर फर्स्ट सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाली क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुंबई फ्लड्स एवरी ईयर नाउ एंड द हैवीएस्ट बर्नट ऑफ द डिजास्टर इज बोर्न बाय इट्स पुअरेस्ट रेसिडेंट्स। कि भाई मुंबई में जो बाढ़ आती है हर साल, एंड द हैवीएस्ट ब्रंट ऑफ द डिजास्टर, हैवीएस्ट ब्रंट मतलब इस डिजास्टर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है, वो इज बोर्न बाय इट्स पुअरेस्ट रेजिडेंट्स। जो सबसे गरीब लोग रह रहे हैं वहां पर मुंबई वाले एरियाज में, उनको सबसे ज्यादा सहना पड़ता है। हां जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज कब से स्टार्ट करोगे? भाई डेली करंट अफेयर्स में आते हो नहीं अभय एनिमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट के भरोसे आप जी रहे हो हैं? आज सुबह की क्लास में बताया था कि कल से आएगी टॉप 500। विल को रिमूव कर दो, विल कहां है इसमें? आर लगेगा ऑप्शन नंबर सी में, आर। भाई साहब क्या सहा जा रहा है उनके द्वारा? द हैवीएस्ट ब्रंट ऑफ। दूसरी चीज यहां पर लग गया आपका एंड, तो ये अलग सेंटेंस था, ये अलग सेंटेंस है। मुंबई फ्लड्स एवरी ईयर नाउ, मुंबई फ्लड्स हर साल, द हैवीएस्ट ब्रंट ऑफ दिस डिजास्टर, इस डिजास्टर का सबसे बड़ा प्रभाव, इज बोर्न बाय इट्स पुअरेस्ट रेसिडेंट्स। ठीक है, चलिए यहां पर एक वर्ब समझेंगे। बोर्न का मतलब क्या होता है? बोर्न सा रिलेशन है आपका बर्थ से। ठीक है, क्या यहां पर बर्थ की कोई सेंस आ रही है? हाँ जी, यहां पर कोई बर्थ की सेंस आ रही है? यहां पर बात हो रही है सहना, सहना। ठीक है, यानी कि बियर विद, एंड्योर करना। ठीक है, बियर अप विद या बियर विद, रहना या सहना या एंड्योर करने की बात हो रही है।
तो यहां पर उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आप क्या, बी ओ आर एन ई, बोर्न। तो यहां पर वर्ब की एरर थी, ठीक है, तो बोर्न आएगा यहां पर ना कि बोर्न, ये वाला इज बोर्न, बी ओ आर एन ई, इसका मतलब होता है सहना। तो ये ऑफन कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाली कैटेगरी के स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, जो कि हमने इस बार भी देखा था कि शेयरिंग की शेयरिंग दे रखा था किसकी जगह, शेयरिंग की जगह, कभी कभी प्रिंसिपल की स्पेलिंग में मिसमैच कर देता है, पी ए एल वाला चाहिए होता है बट दे देता है पी एल ई वाला, है ना। कभी कभी इफेक्ट की जगह अफेक्ट दे देगा, अफेक्ट की जगह इफेक्ट दे देगा, तो ये कंफ्यूज करते हैं हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर बॉन्ड मार्केट इज स्टर्न्ड इन कंपैरिजन फॉर दोज ऑफ मोर फाइनेंशियली इवॉल्व्ड नेशंस, कि हमारी जो बॉन्ड मार्केट है, यानी कि जो ये होते हैं ना क्या बोलते हैं ट्रेड मार्केट जो होती है, बॉन्ड मार्केट इज स्टंटेड इन कंपैरिजन फॉर, यानी कि वो कुछ नहीं है किसके सामने, इन कंपैरिजन ऑफ दोज ऑफ मोर फाइनेंशियली इवॉल्व्ड नेशंस, उन देशों के सामने जो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड है हमसे, पर्टिकुलरली दैट फॉर कॉरपोरेट पेपर। हाँ जी, पर्टिकुलरली खास तौर पर किसकी बात हो रही है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उनकी बात हो रही है। हाँ जी, कंपैरिजन टू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कंपैरिजन के साथ हमेशा क्या लगता है, फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू, कंपैरिजन टू, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक सुविधा संगम ऑल्सो नोन एज मिशन कन्वर्जेंस, सामाजिक सुविधा संगम जो और किस नाम से जाना जाता है, मिशन कन्वर्जेंस, इज द मोस्ट यूनिक इनिशिएटिव ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का सबसे यूनिक इनिशिएटिव है, फॉर होलिस्टिक एम्पावरमेंट, यानी कि ओवरऑल एम्पावरमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ऑफ वुमेन फ्रॉम वल्नरेबल एंड मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हाँ जी, मोस्ट नहीं आएगा, यूनिक से मोस्ट हटा देंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, इंपॉर्टेंट रूल है भाई, जैसे हमारा एक हो गया यूनिक हो गया, ठीक है, इसके अलावा परफेक्ट हमने बोल दिया, हमने बोल दिया ऑल माइटी, ऑल माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, है ना, हमने बोला एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, इसके अलावा सर्कुलर आ जाता है आपका, सर्कुलर, इसके अलावा एम्प्टी, फुल, ठीक है। ये जो आपके वर्ब्स हैं ये ऑलरेडी क्या होता है अपने एक्सट्रीम वर्जन में होता है, ठीक है, एक्सट्रीम वर्जन में होते हैं, तो इनकी ना तो कोई कंपैरेटिव डिग्री होती है ऐसे वर्ब्स की, ना कोई कंपैरेटिव डिग्री होती है ऐसे एडजेक्टिव्स की, और ना ही ऐसे एडजेक्टिव्स की कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इन एडजेक्टिव से पहले ना तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे, ना ही आप इनसे पहले सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये मोस्ट हट जाएगा यहां से, क्या बोलेंगे, इज अ यूनिक इनिशिएटिव, क्योंकि इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट बहुत सारे लाती है, तो उनमें से एक यूनिक इनिशिएटिव है एनसीटी ऑफ दिल्ली का, वेरी गुड। सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, भाई कोई भी शेप बोल रहे हो आप, तो मोर सर्कुलर या मोर स्क्वायरिकल आप नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि उनके साइज छोटे या बड़े हो सकते हैं बट उनका शेप हमेशा सर्कुलर ही रहेगा, ठीक, दो बार तो लिखा। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। द रिलीफ लगून आइलैंड, द रिलीफ है, लगून है, आइलैंड है, एंड ओपन ओशन, ये सारी चीजें क्या बोल रहा है, आर इंट्रिकेटली लिंक्ड, कि बहुत ही जटिल रूप से क्या है वो जुड़ी हुई हैं, बहुत ही जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, लिंक्ड है। एंड एनी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स, कोई भी डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स आ रहे हैं फॉर द आइलैंड्स, आइलैंड्स के लिए, नीड टू बी कैरिड आउट विद इन द इकोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ दिस फ्रेजाइल इकोसिस्टम। कैरी आउट मतलब उनको लागू करना, उनको आगे बढ़ाकर ले जाना, उस चीज को इंप्लीमेंट करना, कि भाई उनको कैरी आउट करने की आवश्यकता है किसके, विद इन द इकोलॉजिकल लिमिट्स, लिमिट्स के लिए हम विद इन लगाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, विद इन द इकोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ दिस फ्रेजाइल इकोसिस्टम, फ्रेजाइल मतलब कमजोर इकोसिस्टम जो है। कैरी ऑन, भाई कैरी ऑन का मतलब होता है लागू कर, जारी रखना, है ना, कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, कैरी ऑन इज टू कंटिन्यू, और यहां पर बात क्या हो रही है, कैरी आउट, मान लो मैं कोई प्लान लेकर आ रहा हूं, जब मैं उस प्लान को इंप्लीमेंट करूंगा तो उसको बोलूंगा कैरी आउट, आई एम कैरिंग आउट द प्लान, ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए। टू हट जाएगा नीड में से, क्यों हट जाएगा भाई, उसका रीजन क्या है, नीड टू बी, ये यहां पर क्या है, यहां पर नीड यूज हो रहा है कैसे, एज अ मेन वर्ब, ठीक है, तो वो जो आप कंफ्यूज हो रहे हो,
जब नीड और डेयर के साथ नोट लगा होता है और स्पेशली वो यूज करता है एज काम करता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, तब टू नहीं लगाते हैं। जब मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो टू लगता है। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर। वी शुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, हमें एक अच्छी नई ड्रेस खरीद लेनी चाहिए थी। सो शी हैड नॉट स्पेंट ऑल हर बोनस ऑन शू, हां जी सारा बोनस शू पे ना खर्च करना। नीड्स होगा, नीड्स होगा कैसे भाई? भाई प्लांस हैं, प्लांस प्लूरल हैं, प्लूरल प्लांस के बारे में बात हो रही है। एक प्लान नहीं है जिसको आप कैरी आउट करोगे, मल्टीपल प्लांस हैं। अगर यहां पर प्लान होता तो नीड्स कर देते। अब यहां पर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वहां भी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, चलो यहां बताइए इफ आएगा इंस्टेड ऑफ सो। चलो ये भी इफ वाली क्लोज है, यहां पर कंडीशनल सेंटेंस था, बट इस बार एरर आपको टेंस की ना देके, एरर किसकी दे दी आपको? क्लोज की एरर दे दी कि भाई शी वुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, वो एक नई ड्रेस खरीद लेती। कब खरीद लेती? अगर उसने अपना सारा बोनस जूतों पर खर्च ना किया होता। तो अगेन कौन सी कंडीशन आ गई आपकी? कंडीशन नंबर थ्री, अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट, तो कब खरीदती वो नई ड्रेस? अगर, इफ शी हैड नॉट स्पेंट ऑल हर बोनस ऑन शूज। तो पहला क्लोज बन रहा है आपका हैड प्लस थर्ड से, दूसरा क्लोज बन रहा है आपका वुड हैव प्लस थर्ड से। नेक्स्ट, अ टोटल ऑफ 10 ब्लॉक्स, कि टोटल कितना है? 10 ब्लॉक्स हैं, विल बी ऑन ऑफर, वो ऑफर में होंगे इन द थर्ड राउंड ऑफ कोल ऑक्शंस, कोल ऑक्शन के तीसरे चरण में, विच विल टेक प्लेस बिटवीन ऑगस्ट 11 टू ऑगस्ट 17, जो कब होगा? 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में। बता दो, आसान है, फटाफट से पढ़ाया हुआ रूल है, एंड लगेगा ऑप्शन नंबर सी में। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड मयंक थलियारी, शुभम नरेंद्र राजपूत, शुभम जोहारी, पीयूराज, बहुत बढ़िया। ये क्या बोल दिया किसने? नरेंद्र राजपूत, दैट कहां लगा रहा है भाई तू? मैंने तो फ्लो फ्लो में नरेंद्र का भी नाम ले दिया, नरेंद्र ने आंसर दे रखा दैट। चलो अगर हम लिख रहे हैं बिटवीन, तो बिटवीन के बाद हमेशा क्या लगना चाहिए? एंड लगना चाहिए। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं फ्रॉम, तो फ्रॉम के साथ टू लगता है। ठीक है, फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन के साथ क्या लगता है? एंड लगता है। मैं अपना नाम वापस लेता हूं, बिल्कुल ठीक है। विच विल टेक प्लेस बिटवीन ऑगस्ट 11 एंड ऑगस्ट 17, ऑप्शन नंबर सी। या तो बिटवीन के बाद एंड लगाओ या फिर बिटवीन की जगह पर फ्रॉम लगा दो, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी सी सिटीजन्स हु आर क्वाइट इरेस्पॉन्सिबल एंड कंटिन्यू टू गो जॉगिंग बिटवीन मिडडे एंड 2 PM। हाँ जी, कि भाई हम देखते हैं उन नागरिकों को जो कि पूरी तरह से इरेस्पॉन्सिबल हैं और कंटिन्यू जारी रखते हैं क्या करना? जॉगिंग पर जाना, जॉगिंग करने जाना बिटवीन मिडडे 12 बजे से 2 बजे के बीच में। ऑन ऑफर सही है क्या? हां भाई बिल्कुल, आईफोन 15 प्रो मैक्स इज ऑन ऑफर, बोलते हैं ना ऐसे, है ना। स्पेलिंग एरर, भाई स्पेलिंग एरर नहीं है, गो फॉर जॉगिंग नहीं बोल सकते हो, टू गो जॉगिंग। यहां पर यह क्या लग रहा है? जिरंड लग रहा है, जिरंड आ सकती है बिना उसके। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसमें, इसका मतलब क्या होता है? इस वाले क्वाइट का मतलब होता है साइलेंस, इसका मतलब होता है साइलेंस, चुप होना, और यहां पर हम बात कर रहे हैं इररिस्पॉन्सिबल की, यानी कि वो कहना चाह रहा है कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल, टोटली या फिर कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल है कोई, तो उसके लिए जो स्पेलिंग होती है दैट इज QUITE, QUITE, ये है चुप होना। तो यहां पर इसका अगेन वर्ब का यहां पर एरर दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए में। तो आपको इतने सारे क्वेश्चन ये करा दूंगा कि जिस तरह से इस बार आजकल एनडीए में आ रहा है ना, ये जो गलत वर्ब यूज कर देते हैं, होमोफोन्स को यूज कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको एक तरह से आइडिया लग जाए, वहां पर भी आप जो है चेक करने लगे स्पॉटिंग एरर्स में कि भाई ये भी गलतियां आ सकती हैं। ठीक है, अगर आपने क्वाइट सही बताया होता तो सारे अलग न्यू एरर लाते। चलिए रिड ऑफ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, From companies building palm-sized satellite to those aiming at a propelling satellites,
कि उन कंपनियों से लेके जो क्या कर रही हैं, जो बना रही हैं पाम साइज सैटेलाइट्स, हाथ के जितना, मतलब हमारी हथेली के जितनी सैटेलाइट्स, वहां से लेकर कहां तक, टू दोज उन कंपनियों तक एमिंग एट प्रोपेलिंग सैटेलाइट्स, जो क्या कर रहे हैं स्पेस के अंदर प्रोपेल कर रहे हैं किसको, सैटेलाइट्स को, यूजिंग क्लीनर फ्यूल्स, ग्रीन फ्यूल्स को यूज करके. अ न्यू वेव ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स आर मशरूमिंग इनटू इंडिया. कि स्टार्टअप्स की एक नई वेव जो है इंडिया में मशरूमिंग कर रही है, यानी कि फुलफिल कर रही है, है ना, वो फ्लरिश कर रही है, वहां पे ग्रो कर रही है. ठीक है, इस आएगा, इजी था, चलिए बहुत बढ़िया. यहां पर क्या दिया हुआ है, आ न्यू वेव ऑफ, तो कितनी वेव है, एक वेव है, तो एक वेव की जब बात हो रही है तो यहां पर क्या लगेगा, इज लगेगा. ठीक है, अ न्यू वेव ऑफ, जनरली हमें कंफ्यूजन हो जाता है इस स्टार्टअप से, ये वाले से, कि भाई इसके अकॉर्डिंग लगा होगा. हाउएवर द मेन सब्जेक्ट इज अ न्यू वेव ऑफ, किसकी वेव है, स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की, बट मेन सब्जेक्ट है आपका वेव. नेक्स्ट, माय एल्डर ब्रदर इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड एज सून एज ही विल रिटायर इन दिसंबर नेक्स्ट ईयर. कि मेरा भाई, बड़ा भाई, जैसे ही अगले साल दिसंबर में रिटायर होगा तो वो प्लान कर रहा है विदेश जाना, अब्रॉड जाना. बताइए फटाफट से, रिटायर्स इन, मृगांक, अमित सिंह, रिमूव सी, रिटायर्स, चलिए अगेन क्या है मेरा, रिटायर्ड बोल रहा है शुभम चौधरी. कौन था ये, शानू था, कौन था, चोरी करी किसी ने अभी रिसेंटली, रिसेंटली कमेंट बॉक्स में किसी ने चोरी करी, पहले रिटायर्ड लिखा और अपना एकदम से झटपट एकदम डिलीट कर दिया, है ना. कंडीशनल सेंटेंस है, फ्यूचर कंडीशनल है. प्लानिंग टू गो अब्रॉड, वो प्लान कर रहा है क्या अब्रॉड जाने का. सर अब फ्यूचर कंडीशनल है तो यहां पर विल क्यों नहीं आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन, यहां पर विल क्यों नहीं आया, यहां पर इज क्यों आया, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा होता है कि अगर हम फ्यूचर में प्लान्ड एक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर में प्लान्ड एक्शंस की बात कर रहे हैं तो उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं. सेंटेंस वो फ्यूचर का होगा बट अगर वो प्लान्ड एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन है, तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं. ठीक है, इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड एज सून एज, तो कंडीशनल बन गया यहीं पे, एज सून एज, और आपको बताया गया था इफ बिकॉज एज सून एज वाली क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती है, तो यहां से विल हटा देंगे, और जैसे ही विल हटेगा तो ही है मेरा सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर, तो रिटायर की जगह आ जाएगा रिटायर्स, एज सून एज ही रिटायर्स इन दिसंबर. चलिए, हाँ मुझे तो पता था टाइपिंग एरर थी, नहीं भाई टाइपिंग एरर भी गलती मानी जाएगी, यूपीएससी के आंसर की में अगर एक बार गोला भर दिया, ठीक है, तो फिर उसको तुम रबड़ से काटो, तुम उसको ब्लेड से काटो, तुम उसको जो है उसमें वाइटनर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वेश्चन गलत हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ लुक एट माइग्रेशन डेटा सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ डेथ्स डू नॉट नेसेसरीली इंडिकेट द क्राइसिस दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड. कि एक नजर किस पर, माइग्रेशन डेटा पर जो डाली गई, वो सजेस्ट करती है क्या कि डेथ्स, मौतों का जो नंबर है वो इंडिकेट नहीं करता उस क्राइसिस को जो कि डिस्क्राइब किया जा रहा है. 19-20 का फर्क है सर, 19-20 का फर्क तो आंसर क्वेश्चन गलत करा देगा. इंडिकेट्स डज, चलिए दो होते हैं, एक होता है हमारा आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ ये होता है प्लूरल, इसके लिए वर्ब कैसी लगती है हमारी, प्लूरल वर्ब. ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो इसके लिए वर्ब लगती है हमारी कैसी, सिंगुलर. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर क्लास, इन आर क्लास इज 90. ठीक है, तो द नंबर ऑफ बोला था इसलिए मैंने क्या लगाया यहां पर, इज 90. मैं बोल रहा हूं आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू दिल्ली, तो क्या आएगा, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली. तो ये द नंबर ऑफ क्या होता है हमारा, सिंगुलर. तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर. तो सिंगुलर के लिए हम डू नॉट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, डज नॉट. डज नॉट आएगा ऑप्शन नंबर बी में. चलिए जी आगे बढ़ेंगे. टिल 1970 इंडिया वॉज अमंग फर्स्ट नेशंस,
इंडिकेट्स बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ, इंडिकेट्स मतलब इंडिकेट्स कहां पर भाई? भाई नेगेटिव सेंटेंस है, जब आपका नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ गई तो एसईआईएस थोड़ी लगाओगे। एसईआईएस कहां लगाते हैं? एसईआईएस लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, एंड दैट टू जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं लगाते भाई एसईआईएस। नरेंद्र राजपूत, टिल 1970 1970 तक इंडिया वॉज अमंग फर्स्ट नेशंस, इंडिया पहले फर्स्ट देशों में था हैविंग द हाइएस्ट कोटा विद आईएमएफ, जिसका आईएमएफ के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ सबसे ज्यादा कोटा था। एंड ड्यू टू दिस स्टेटस, इस स्टेटस की वजह से इंडिया वॉज अलॉटेड, इंडिया को अलॉट किया गया अ परमानेंट प्लेस इन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हां जी, क्या लगेगा? द फर्स्ट। चलिए, आर्टिकल का रूल है, जब हम रैंकिंग या पोजिशंस की बात करते हैं, रैंक या पोजिशंस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, लास्ट, फॉर्मर, लेटर, ठीक है, हम बोल रहे हैं अपर कबर्ड, अपर शेल्फ है ना, लोअर शेल्फ, ठीक, इसके अलावा टॉप बोल रहे हैं, बॉटम बोल रहे हैं, ठीक है। और तो इनकी जब हम बात करते हैं तो इनके आगे क्या लगता है हमारा? डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अमंग द फर्स्ट नेशंस, ऑप्शन नंबर ए। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए बार बार कर लो दिमाग गुर्दे सब में छप जाए। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट, द सुपरिटेंडेंट ऑफ दासना जेल इन गाजियाबाद सेड दैट कोहली हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दासना टू मेरठ जेल एज द फर्स्ट हैड नो फैसिलिटीज टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन। क्योंकि जो पहली वाली जेल है दासना जेल में, एग्जीक्यूशन को कैरी आउट करने के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। हां जी भैया, यही इसका टेक्निक है, इतना पढ़ो रूल्स को, इतना पढ़ो, इतना इंप्लीमेंट करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि वो दिमाग के हर एक कोने में बैठ जाए, सेंटेंस आपके सामने खड़ा हो और आप उसको फेंक के मारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे एरर, ऑप्शन नंबर सी पे एरर, ठीक है। चलिए बताइए, द सुपरिटेंडेंट ऑफ दासना जेल इन गाजियाबाद सेड, तो गाजियाबाद जेल में दासना जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा दैट कि कोहली हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दासना टू मेरठ, ट्रांसफर किया गया दासना से मेरठ, तो फ्रॉम सही है, एज द फर्स्ट। अब ये फर्स्ट किसके लिए लगाया जा रहा है? यहां पर दो जेल्स की बात हो रही है। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला राम एंड घनश्याम, राम एंड घनश्याम अगर मैंने बोला है, तो इसको बोलते हैं क्या, सिक्वेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो ये होता है फॉर्मर और ये होता है लेटर, पहले वाला बाद वाला, ठीक है। जैसे अभी बोला था मैंने आपसे कि अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो फॉर्मर लगता है वर्ड पहले के लिए। तो दासना जेल की बात हो रही है कि भाई पहली वाली जेल में फैसिलिटीज नहीं है, ठीक, फैसिलिटीज नहीं है, तो यहां पर फर्स्ट नहीं आएगा, यहां पर आएगा फॉर्मर, फॉर्मर, और आर्टिकल ऑलरेडी लगा हुआ है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, रैंकिंग से पहले आर्टिकल लगता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, द फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रोअल्स ऑफ फंड्स, फंड्स को विड्रॉ करने का फ्लेक्सिबल अंडर द पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम के अंतर्गत वुड बी टाइटेंड, उसको और सख्त कर दिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फ्लेक्सिबल कुछ नहीं होता, फ्लेक्सिबल इज एन एडजेक्टिव जो नाउन के पहले लगता है, और यहां पर कोई नाउन है नहीं तो मुझे नाउन ही चाहिए सब्जेक्ट में, क्या आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसको आप नाउन की एरर भी मान सकते हैं, इसको आप एडजेक्टिव की एरर भी मान सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा किया जाता है कि एडजेक्टिव को एज अ नाउन डाल देता है, कभी कभी एडवर्ब्स और एडजेक्टिव में रिप्लेसमेंट कर देते हैं कि हमें सेंटेंस में रिक्वायरमेंट थी एडवर्ब की, उसने डाल दिया एडजेक्टिव, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, सीडीएस न्यू बैच स्टार्ट होगा क्या? सर प्लीज रिप्लाई, मुकुल शर्मा भाई, सीडीएस का नया बैच स्टार्ट होगा आपका 28 या 29 अप्रैल से शायद शुरू होने जा रहा है, तो नीचे जो आप नंबर मिल रहे हैं आपको उन पे आप कॉल करके पूरा डिटेल ले सकते हो, है ना, इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, रोहन विल प्रोबेबली शट डाउन हिज शॉप बाय नेक्स्ट वीक, रोहन शायद अगले हफ्ते तक अपनी दुकान को बंद कर देगा,
इफ सेल्स डू नॉट इंक्रीजेस। हाँ जी, अगर सेल नहीं बढ़ी तो रोहन अपनी दुकान को ताला लगा देगा अगले हफ्ते तक। आसान है, बताइए फटाफट से, कौन कौन बताएगा, कहां गायब हो गए? ऑप्शन नंबर डी शुभम, नरेंद्र राजपूत रिमूव विल, बस एक ही चीज रट लो। है भाई, मतलब एक ही चीज रट ले यार, मतलब विल हटा दूं, कहां से हटा देगा विल? अबे इफ वाली क्लोज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, तो दूसरी क्लोज तो फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगी चाचा। है भाई, रिमूव विल, अब सब में रिमूव विल कर दो। एक रूल पढ़ लिया तो इफ देखते ही सेंटेंस में कहीं भी विल लग रहा हो तो उड़ा दो। रट रहे हो यार, रटो मत भाई, रटो मत। शुभम बोल रहा है आर इंक्रीजेस। शुभम जोहारी, 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर तू ये बता दे कि ये टेंस कौन सा है जहां पर इस एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है। 1,00,000 रुपए का इनाम, कौन सा टेंस ऐसा है जहां पर इस एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है? ठीक है, चले यार, कुछ भी, मतलब कुछ भी जोड़ रहे हो, कहीं तक ऐसे तुक्के तो मारो जिनका कुछ लॉजिक हो, सेंसिबल हो, मुझे भी ऐसा लगे यार सच में ऐसा तो हो सकता है, कंफ्यूजन है ना। चलिए क्या रहा है, सेल्स, सेल्स प्लूरल है भाई, डज लगा रहा है वो, सेल्स प्लूरल है तो डज लगा दूं, हैं कुछ ना मिले तो सर कहीं तो तुक्के मारेंगे अब देखो हम। ठीक है चलो, प्लूरल है तो डू लगेगा। अब डू नॉट जब आ गया तो एस या ईएस मैंने अभी पीछे भी बताया था आपसे कहां लगता है, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है एंड दैट टू सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है, तब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डांसेस, वह नाचता है, यू डांस, तुम नाचते हो। ही सिंगुलर था, एस ई आई एस लग गया, यू प्लूरल था, एस ई आई एस नहीं लगा। ठीक है चलिए जी, नेक्स्ट, इन बीजिंग रिसेंटली, हाल ही में बीजिंग में द स्मॉग हैड बिकम, स्मॉग इतना थिक हो गया है दैट वर्चुअल सनराइज वॉज अरेंज्ड ऑन ह्यूज टीवी स्क्रीन्स अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में वर्चुअल सनराइज किया गया एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर, यानी कि स्क्रीन पर, बड़ी सी स्क्रीन पर वहां पर दिखाया गया सनराइज होते हुए, क्योंकि स्मॉग इतना था कि वहां पर धुंध इतनी थी कि सनराइज दिखाई नहीं। सर वो रील याद आ गई इंग्लिश रूल्स वाली, डांसेस, एक तो टीचर थे, पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो तो ऐसे रूल पढ़ाते थे गाना गा के नाच के, है ना, ताहे तेहे ती हैं, राम ने खाना खाया खाया खाया। रिसेंटली इन बीजिंग, जरूरी नहीं है भाई, कहीं भी लगा सकते हो, इन बीजिंग रिसेंटली लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और बताओ, हाँ जी, इन बीजिंग रिसेंटली, वो कोमा लग गया ना तो वो अलग ही सेंटेंस चला गया, वो अलग ही पार्ट चला गया उसका, कि बीजिंग में हाल ही में द स्मॉग हैड बीन सो थिक, इतना थिक हो गया वो स्मॉग दैट, उसका रेपरकशन दे रहा है, सो के बाद दैट लगेगा अगर रिजल्ट दे रहे हो। वर्चुअल सनराइज वॉज अरेन्ज, वर्चुअल सनराइज को अरेंज किया गया कहां पर, ऑन ह्यूज टीवी स्क्रीन, रेडियो टीवी एफएम के लिए ऑन लगाते हैं जब हम कोई चीज टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, नो एरर, नो एरर। चले भाई, जैसे मुझे पता ही नहीं रूल्स, पट्टी बंद गई भाई शुभम के। नहीं, एक बात बता, आर के साथ एस ई आई एस कौन लगाता है बता, कम से कम गलत रूल ऐसे बताओ, गलत लॉजिक कम से कम ऐसे बताओ कि हाँ लगे कि यार हाँ, मतलब लग सकता है बच्चे को कि ऐसा भी हो सकता है, हैं? कोई सा टेंस ही नहीं होता भाई जहां पर इस एमआर के साथ एस ई आई एस लगता है ना, सिंगुलर प्लूरल का तो कॉन्सेप्ट ही छोड़ दे, निगेटिव इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट छोड़ दे, लगता ही नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, द ओरली ट्रांसमिटेड अरेबिक टेल्स वर पॉपुलर, ठीक है, जो अरेबिक टेल्स हैं, अरब की कहानियां जो हैं, जो ओरली ट्रांसमिट की जाती हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, एज अर्ली द 10th century, यानी कि 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, एंड थ्रू सेंचुरीज ऑफ एक्रीशन एंड फ्रेमिंग गेन्ड देयर करंट फॉर्म अराउंड 1450, कि भाई उन्होंने अपने करंट फॉर्म कब गेन करी, 1450 ईस्वी में। हाँ जी बताइए फटाफट से,
वाज लगेगा, वॉज कहां पर भाई? वॉज भाई अरेबिक टेल्स है यार, मतलब क्या कर रहे हो, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ यार, थोड़ा तो फोकस करो। जब यहां पर टेल्स बोल दिया तो टेल्स का मतलब क्या होता है? स्टोरीज, तो प्लूरल है यार, तो जब प्लूरल है ओरली ट्रांसमिटेड क्या की जा रही है? ओरली ट्रांसमिट अरेबिक टेल्स वर पॉपुलर, कौन पॉपुलर था? टेल्स, कहानियां तो पॉपुलर होंगी भाई, ठीक है। एज अर्ली एज, एज अर्ली क्या होता है? एज अर्ली एज, ठीक है, एज अर्ली एज द 10th सेंचुरी, कब की बात कर रहे हैं? 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तब उनको ट्रांसमिट किया गया, वो आज पॉपुलर हैं। थ्रू सेंचुरीज, अलग अलग सेंचुरीज तक, शताब्दी तक क्या किया? ऑफ एक्रीशन, एक्यूमुलेट होती गई, जुड़ती गई, है ना, अमास होती गई, कलेक्ट होती गई, एंड फ्रेमिंग गेन्ड देयर करेंट फॉर्म अराउंड 1450, जो आज उनका फेम है, वो जो फेमस है अरेबिक टेल्स, है ना, वो कब गेन किया उन्होंने अपना फेम? 1450 में। चलिए नेक्स्ट, द वेसल्स एमिनेंट डिपार्चर फ्रॉम कुशीरो, वेसल का एमिनेंट डिपार्चर फ्रॉम कुशीरो, कुशीरो से जो डिपार्ट किया उसने वेसल ने, ऑन द नदर्न आइलैंड ऑफ होकाइडो, होकाइडो के नदर्न आइलैंड से, टू किल वेल्स, वेल्स मछली को मारने के लिए, ड्रू कंडेमनेशन क्या किया उसने? क्रिटिसाइज जो है अट्रैक्ट किया, ड्रू किया, एज जापान एंड इट्स प्रो वेलिंग प्राइम मिनिस्टर, जापान और उसका मतलब प्रो वेलिंग प्राइम मिनिस्टर मतलब ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा इंसान जो वेल्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है। सिंजो आबे प्रिपेयर टू होस्ट G20 लीडर्स इन ओसाका, G20 जो मीटिंग हुई थी ओसाका के अंदर, जब वो होस्ट करने वाले थे, तो उस टाइम की बात हो रही है कि भाई वहां पर लोगों ने अटेंशन ड्रॉ किया कि भाई आप तो प्रो वेल प्राइम मिनिस्टर हो, तो आपके देश से ये जो वैसल गया है वेल्स को मारने, ऐसा क्यों हुआ? ड्रो बोल रहा है, ड्रो, शानू कह रहा है 100% इमिनेंट आएगा, न्यूज़पेपर से लिए एरर, बिल्कुल न्यूज़ दिख नहीं रही क्या आपको ये? ड्रो शुभम जोहारी, ड्रो बोल रहा है भाई, देख कुशीरो ऑन द नदर्न आइलैंड होकाइडो टू किल्ड, ड्रू कंडेमनेशन एज जापान एंड इट्स प्रो वाइस मिनिस्टर शिंजो आबे प्रिपेयर्ड। तो भाई अगर एक बात बता, अगर मैं यहां पर ड्रो करूंगा तो मैं यहां पर भी तो फिर प्रिपेयर करूंगा, है ना, क्योंकि सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि अगर या तो पूरा प्रेजेंट में बना या तो पूरा पास्ट में बना, ठीक है। यहां पर हाउ एवर एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, बिल्कुल सही है शानू, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर उस वेसल की बात कर रही है जो स्टार्ट करने वाला है डिपार्चर, यानी कि यहां पर जो सेंस आ रही है वो बोल रहा है विच द वेसल इज अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू डिपार्ट, इफ समथिंग इज अबाउट टू हैपन, तो उसके लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं, अगेन होमोनिम की एरर थी, दैट इज इमिनेंट, दैट इज इमिनेंट, नॉट एमिनेंट, ठीक है, इमिनेंट होगा ना कि एमिनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर होम्स, 53 लोगों को अपने घरों से इवैक्यूएट किया गया, इवैक्यूएट के साथ फ्रॉम लगता है, 5 रोड्स रिमेन कट आउट एंड द सिविल प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, 5 रोड कट आउट रही और सिविल प्रोटेक्शन अथॉरिटीज ने हैव एडवाइज पीपल, लोगों को सलाह दी नॉट टू एंटर द एरिया, उस एरिया में एंटर ना करने के लिए, अनलेस एब्सोल्यूटली नेसेसरी, जब तक परम आवश्यक ना हो तब तक उस एरिया में एंटर मत करना, ऐसा उन्होंने बोला, सजेशन दिया। हां जी, हैड एडवाइज्ड मतलब भाई 53 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड, प्रेजेंट टेंस है, फ्रॉम देयर होम्स, घरों से उनको इवैक्यूएट किया गया, 5 रोड्स रिमेन कट, यहां पर भी 5 रोड थी, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि दैट टू प्रेजेंट टेंस है मेरा, एंड द सिविल प्रोटेक्शन अथॉरिटीज ने क्या किया? हैव एडवाइज्ड, अथॉरिटीज कैसी हैं? प्लूरल हैं, हैव लग गया, हैड क्यों लगाएगा, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, और बताओ, एब्सोल्यूटली कट ऑफ आएगा ऑप्शन नंबर बी शानू वर्मा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो भाई वो होता है, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, है ना, और यहां पर क्या बात हो रही है, अनलेस एब्सोल्यूटली नेसेसरी, एब्सोल्यूट नेसेसरी क्या बोलोगे, अगर एब्सोल्यूट आप लगाओगे ना तो फिर वो होना चाहिए था क्या, एब्सोल्यूट नेसेसिटी,
एब्सोल्यूट नेसेसिटी होता है फिर वो, ठीक है। चलो यहां पर देखो कटआउट का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर से मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स काट लिए है ना, कुछ सर्कल्स काट लिए, तो वो जो कार्व करता हूं ना मैं, कार्व आउट, टू कार्व आउट, ठीक है, उसको बोलते हैं कटआउट, ठीक है। जैसे मान लो इस स्क्रीन से मैं एक टुकड़ा काट लू तो वो होगा उस स्क्रीन का कटआउट, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, पांच रोड जो है वो क्या हुई, वो खराब हो गई, यानी कि वो नॉट इन यूज राइट नाउ, तो उनको क्या बोलेंगे आप, कट ऑफ, कट ऑफ। और ये कट वाली फ्रेजल वर्ब भी आपको करा दी मैंने, ठीक है, फिर भी नहीं बता पा रहे हो, कट ऑफ आएगा। सर भोपू आ गया, भोपू तो मतलब पता नहीं, अभी होली खेल रहा था बच्चों के साथ, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों का चाचा खेल रहा है उनके साथ होली है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट डियर विद द हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन इन द वाइडर कैनवास, कि अगर हम बड़ी पिक्चर में बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रेलेवेंट नहीं है किसके लिए, हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन इन वाइडर कैनवास, कि बड़े मायने में देखा जाए तो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रेलेवेंसी है ही नहीं, हेल्थ कंडीशन में हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ कंडीशंस। इट इज द विल, ये इच्छा है, एंड डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प है, टू एक्ट, दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, जो परम आवश्यक है। यानी कि मेन इंपॉर्टेंस किस चीज पर होनी चाहिए, हेल्थ कंडीशन पर होनी चाहिए, और वो बोल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है आज के टाइम में हेल्थ कंडीशन से। मुन्ना भैया हाँ जी, बियर विद का मतलब क्या होता है, बियर विद का मतलब होता है एंड्योर करना, भी पीछे बताया भी था, एंड्योर करना, सहना, टोलरेट करना। तो यहां पर टोलरेट करना या सहने की सेंस है क्या भाई, हाँ जी, यहां पर कोई सेंस है क्या टोलरेट करना या एंड्योर करना है, क्या कह रहा है, रेलेवेंसी की बात हो रही है यहां पे, कि भाई आज के टाइम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई भी रेलेवेंसी नहीं है, किससे नहीं है, हेल्थ कंडीशन से। तो क्या आएगा, बियर ऑन, ऑप्शन नंबर ए, बियर ऑन द हेल्थ कंडीशन, ठीक। बियर अवे तो भाई होता है कि बहाकर ले जाना, सक्सेसफुल होना, बियर ऑन। चलिए नेक्स्ट, मॉक ड्रिल्स वर कैरिड आउट बाय सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा क्या की गई, मॉक ड्रिल्स करी गई, कैरी आउट ही बोलते हैं, इंप्लीमेंट करना, किसी चीज को लागू करना या वर्किंग में लेकर आना, एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के अलग अलग हिस्सों में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की, ठीक है। और एट कहां लगाते हैं, पॉइंट के लिए, और यहां पर आ रहे हैं अलग अलग हिस्से, तो क्या आएगा, इन आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी। चलिए नेक्स्ट, वॉर एंड आर्म्स, युद्ध और हथियार, सेल्स, जो उनकी सेल्स हैं, आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, वो सबसे बड़ी बाधा है किसके लिए, डेवलपमेंट के बीच में आने वाली बाधा है और गरीबी को घटाने के बीच में आने वाली बाधा है, युद्ध और हथियारों की सेल। हां जी, क्या आएगा, ऑब्स्टेकल आएगा, वेरी गुड। जब हम चॉइस लेते हैं, जब हम काउंट करते हैं ग्रुप में से वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, तो नाउन हमारा हमेशा कैसा आता है, प्लूरल, ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि जब हम चुनाव करेंगे तो चुनाव में ग्रुप होना चाहिए, एक प्लूरल ग्रुप होना चाहिए, सिंगुलर में से मैं चुनाव नहीं कर सकता, जब मेरे पास एक ही ऑप्शन था तो मैं चुनाव क्या करूंगा, है ना, जब मेरे पास 10 ऑप्शन होंगे तो मैं चुनाव करूंगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लाइमेट चेंज स्ट्रेसर्स सच दैट फ्लडिंग एंड ड्रॉट, कि भाई क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने वाले, अग्रसर, थोड़ा एग्रावेट करने वाले जो स्ट्रेसर्स हैं वो क्या क्या है, फ्लडिंग, बाढ़ और ड्रॉट, जो सूखा आता है, अफेक्ट, उसके जो प्रभाव हैं, वॉट इंसेक्ट्स ईट, जो कि क्या खाते हैं, कीड़े खाते हैं, एंड कैन वर्सन आउटब्रेक्स ऑफ पेस्ट्स लाइक द फॉल आर्मी वॉर्म, इफेक्ट आएगा। नरेंद्र बोल रहा है इफेक्ट आएगा, कैसे आएगा भाई, सच दैट फ्लडिंग एंड ड्रॉट अफेक्ट, यानी कि भाई बाढ़ और सूखा प्रभावित करता है, किस चीज को प्रभावित करता है, वो अफेक्ट करता है किसको, वॉट इंसेक्ट्स ईट, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनके वेजिटेशन को जो है क्या करता है,
प्रभावित करता है, तो यहां पर वर्ब आ रही है भाई, इफेक्ट नाउन होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहां पर क्लाइमेट चेंज स्ट्रेसर्स के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। ये रूल मैंने आपको कराया था कि सच के बाद दैट भी लग जाता है और सच के बाद एज भी लग जाता है, बट डिफरेंस ये है कि जब हम किसी चीज का एग्जाम्पल देते हैं तो सच एज लगाते हैं, बट जब हम किसी चीज का रिजल्ट देते हैं तो सच दैट लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सिट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन एंड ऑरेंज। तो यहां पर मैंने सिट्रस फ्रूट का क्या दिया आपको, एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल के लिए एज लगाते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, सच एज, ऑप्शन नंबर ए। माई टीचर यूज टू चेक, मेरे टीचर चेक किया करते थे दैट कि वी वर ऑन द राइट ट्रैक, कि हम सही ट्रैक पर हैं, सही रास्ते पर हैं या नहीं है। इफ एनी मिस्टेक अकर्ड, अगर कोई मिस्टेक हुई, ही वुड हेल्प अस टू एनालाइज एंड रिजोल्व द इश्यूज, वो हमारी मदद किया करते थे रिजोल्व करने में या एनालाइज करने में उस गलती को। हाँ जी, ये थोड़ा डिफिकल्ट वन है, इस पर आप लगा सकते हो, मतलब अगर मैं 10 में से इसको डिफिकल्टी लेवल दूं तो मैं 8 प्लस डिफिकल्टी लेवल दूंगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं कोई बता पाएगा क्या। टू रिजॉल्व, देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको पहले भी शायद कराया हुआ है कि आई कैन नॉट हेल्प forgive you, I cannot help forgive you, या फिर आप इस तरह से बोलो I cannot help come out of the situation. तो जनरली हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं यहां पर, आई कैन नॉट हेल्प टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं हमारी, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, जैसे हेल्प हो गया, ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। सिमिलरली एक सेंटेंस ऐसे हो गया, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू डांस। इसका मतलब क्या है कि अध्यापक ने बच्चों को डांस करने पर क्या किया, मजबूर किया या फोर्स किया। तो यहां पर ये आ गया मेड, तो यहां पर भी ये टू नहीं लगेगा, सिंपली बोलेंगे द टीचर मेड द स्टूडेंट्स डांस, ठीक है। ही मेड मी क्राई, ही मेड मी लाफ, तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कि बेयर इन्फिनिटिव होती हैं, ठीक है। हेल्प हो गया और मेक हो गया, तो इनके बाद आप टू नहीं लगाते हो, ठीक है। ये रूल याद रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में जब आएगा मैं दिखाऊंगा आपको इसी रूल से, प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, ही वुड हेल्प अस एनालाइज एंड रिजोल्व द इशू, ठीक है। हेल्प अस एनालाइज एंड रिजोल्व द इशू। अच्छा, एक और चीज है यहां पर, मेड द स्टूडेंट्स, यहां पर और इस वाले सेंटेंस में क्या डिफरेंस था, सर आपने यहां पर टू क्यों लगाया फिर, अगर मैंने इस वाले सेंटेंस में टू लगाया है तो सर यहां से आपने टू क्यों हटाया। उसका एक लॉजिक यह है कि इनके बाद क्या आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन अगर मेंशन है, ठीक है, इनके बाद नाउन या प्रोनाउन मेंशन है, यानी कि अगर हेल्प और मेक के बाद नाउन आ रहा है तो उसके बाद हम कभी भी टू नहीं लगाओगे, कभी भी इन्फिनिटिव टू नहीं लगाओगे, ठीक है। नहीं भाई, ना जिरंड लगेगा ना इन्फिनिटिव लगेगा, क्योंकि ये वर्ब कैसी होती है, बेयर इन्फिनिटिव, यहां ना जिरंड लगा सकते हो ना इन्फिनिटिव लगाओगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे विदाउट टू, ठीक है, क्लियर महिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, द शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द रूरल मार्केट हैज गोन अप स्टेडी ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में बहुत ही स्टेडीली जो है वो मार्केट जो है रूरल मार्केट का रेवेन्यू जो है वो कैसा गया है, ऊपर गया है, गोन अप, शायद मैंने आंसर बोल भी दिया क्योंकि वो बोला नहीं जाता ऐसे, गलत ग्रामर नहीं होती, कितना भी कर लूं, रोज दो आवर्स देता हूं फिर भी बहुत कम सही कर पाता हूं। भाई माय क्वेश्चन इज निखिल शर्मा, जो आप बोल रहे हो कि मैं रोज 2 घंटे ग्रामर करता हूं,
तो उसमें भाई कितने स्पॉटिंग एरर करे आपने डेली डेली? निखिल कितने स्पॉटिंग एरर करता है सच सच बताइयो ईमानदारी के साथ। 30 स्पॉटिंग एरर हो ही नहीं सकता यार। कितने टाइम से कर रहा है और ये प्रोसेस कितना दिन हो गया? इस प्रोसेस को फॉलो करते करते कितना दिन हो गया? चलिए यहां पर क्या है, हैज गोन अप। गोन अप क्या है? मेरी वर्ब है और वर्ब के बाद क्वालिफाई करने कौन आता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, तो वो मार्केट जो है वो जो रेवेन्यू है वो ऊपर कैसे गई? मैनर दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि यहां पर स्टेडी नहीं आएगा, क्या आएगा? स्टेडीली, स्टेडीली ऑप्शन नंबर सी। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद आती है। एक महीना हो गया, 30 क्वेश्चन, यानी कि तू कह रहा है कि तूने 900 स्पॉटिंग एरर कर लिए और तेरा स्पॉटिंग एरर इंप्रूव नहीं हो रहा। भाई ये पॉसिबल नहीं है यार, है ना? मैं कह रहा हूं ना, किसी इंसान को अगर स्पॉटिंग एरर का एबीसीडी भी ना होता हो, स्पॉटिंग एरर का एस भी ना आता हो, उसको रूल्स एक भी ना पढ़ा हो उसने, रूल्स बिना रूल पढ़े भी अगर एक महीने में बच्चा 900 स्पॉटिंग एरर सॉल्व करके उन्हें एनालाइज कर ले, तो उसे पेपर में रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? 900 भाई बहुत होते हैं। ठीक, 30 तू कह रहा है स्पॉटिंग एरर डेली और 30 × 30 900 हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। फार्मर्स बियर 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट व्हाइल द बैलेंस 1/4 इज पेड बाय द गवर्नमेंट एज सब्सिडी। भाई 3/4 जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो फार्मर्स को देना पड़ता है, जबकि 1/4 हिस्सा जो है सरकार के द्वारा पे किया जाता है सब्सिडी के तौर पर। ठीक है, तो यहां पर आपको बताया था कि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, वेरी गुड, फ्रैक्शंस में जब तक यहां पर 1 है, जैसे मैंने बोला 1/3, ठीक है, 1/4 कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इस 1 की जगह प्लूरल आएगा, जैसे मैं बोल दूं 3/4, तो ये फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, फोर्थ नहीं बोला जाएगा, फोर्थ बोला जाएगा। फार्मर्स बियर द 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, दैट इज ऑल, आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ, कल एक और बार और करेंगे स्पॉटिंग एरर, उसके बाद हम वोकैबुलरी पे आएंगे। ठीक है, कल हम स्पॉटिंग एरर का दूसरा पार्ट करेंगे, 35 और करते हैं तो लगभग हमारे 120 तक हो जाएंगे। थोड़ा सा विराम देंगे इसको एक दो दिन का, फिर हम वोकैबुलरी करेंगे इसी तरह से परसों, और परसों के बाद लगातार 2-3 दिन आपके केवल मॉक टेस्ट आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं मॉक भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं मॉक भी दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आता है तो ज्वाइन, रेगुलरिटी बनाकर रखना तभी फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर, दैट इज ऑल, इस हफ्ते लेकर आते हैं होमोनिम्स भी। ठीक, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।